रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे से भीगे चुनर वाली रंग बरसे हम लोग बेसिकली जो हैं आई मीन ही इज़ माय एल्डर ब्रदर गिरीश माय नेम इज़ पीयूष और हम लोग बेसिकली जो हैं जो हमारा शहर है जहाँ हमारा जन्म है वो दिल्ली है और उसी के नाम का एक रेस्टोरेंट है दिल्ली हाईवे जो लोअर परेल में है और आज हमें मौका मिला यहाँ पे आने का यहाँ पे आके जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता लगी है कि लाइक आई एम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट सो आई इवन डोंट हैव अ सी सॉल्ट तो दे यूज़ रॉक सॉल्ट सो दे यूज़ ऑल ऑर्गेनिक फूड थिंग्स टू मेक द फूड तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अभी एक्साइटेड हूँ कि कैसा खाना होगा बाकी आप बताएं हाँ दिल्ली एक तो दिल्ली की बात की पीयूष ने और इसके साथ जब शब्द लग जाता है हाईवे तो दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग एंड इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ ट्रीट इन बॉम्बे सो आई थिंक दैट इज अमेजिंग एंड आई हैव रियली आई एम रियली फीलिंग कि मैं मुझे उस तरह का खाना यहाँ पर मिलेगा बट जिस तरह की प्रिपरेशन और जिस तरह की खुशबू आ रही है खाने की तो ऐसा दिल चाह रहा है कि भाई एक ऐसा खाने का पूल और हम उसमें सीधा डाइव कर दें आता है कि यार ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली का फूड लाइक भल्ला पापड़ी वो अभी हमारे सामने है और बहुत टेम्पटिंग लग रहा है करेक्ट. एक मिनट खा के देखती हूँ अरे वेरी टेस्टी वी कांट स्टॉप आवरसेल्फ बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और मजा आ रहा है हाँ जी पहले मैं मिलवाना चाहूंगा ये मेरी बिटिया है इधर दोनों हैं आवर डॉटर एंड सर मेरा बेटा ओमाक्ष तो मैं दिल्ली जब भी जाता हूँ तो लोगों के अंदर एक ऐसा इंप्रेशन होता है एक्टर्स का कि यार इनको तो 5 स्टार लेके जाएं 7 स्टार लेकर जाएं लेकिन मैं पहली शर्त यही रखता हूँ कोई इवेंट होता है या कभी ऐसा होता है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की कचर पचर खाऊंगा कचर पचर मतलब वहाँ का स्ट्रीट फूड भल्ला पापड़ी आलू की टिक्की छोले भटूरे गोलगप्पे वो पहले से उसी माइंडसेट के साथ जाता हूँ और वहाँ पे जाके वहाँ की आबो हवा वहाँ के लोग और वहाँ का टेस्ट तो जब खाते हैं तो ऐसा मतलब आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है खाना खाकर ऐसा हम लोग अक्सर आपस में बोलते हैं कि टेस्टी खाना खाने के बाद जो सुख मिलता है जीवन को जबान पे वो बना रहता है वो एरोमा जो है जब हम दिल्ली से बॉम्बे आते हैं वापस चाहे 1 महीना 1 साल या कितना भी टाइम लगे वो टेस्ट हमेशा जबान पे बना ये महाराजा थाली जो है ये अराइव हो गई है और मेन कोर्स का जो है इंतजार बहुत देर से हो रहा था तो बेसब्री से इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं तो आज जो है जिस तरह मुझे उन्होंने बताया है कि ये जो मेरे मुझे समझ में आता है दाल मखनी है ये व्हाइट चना जो चना है उसकी सब्जी है ये पनीर है आलू की सब्जी है रायता है स्प्राउट सैलेड है जलेबी है आई गेस रबड़ी या केसर के साथ है रबड़ी के साथ और केसर खीर है और पुलाव है ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है और ऑफ कोर्स ब्रेड्स भी हैं साथ में मिस्सी रोटी और तंदूरी रोटियां भी हैं साथ में हाँ और बहुत ही जैसे आप देख रहे हैं डेडली कॉम्बिनेशन है एंड आई एम गोइंग टू ईट एवरीथिंग टुनाइट मतलब मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला इसमें से तो ये जो डिश है अगर ये सहरिश की तरह मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये बहुत खट्टा मीठा है और खट्टे मीठे से मेरा सेंस ये है कि इसमें तीखा भी है खट्टा भी है मीठा भी है एंड दैट्स काइंड ऑफ लाइफ तो ज़िंदगी जो होती है वो खट्टी भी होती है मीठी भी होती है तीखी भी होती है तो ये 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 देखिए ये दही भल्ले को मैंने लिया और ओ माई गॉड सो यम सभी को मेरी तरफ से मेरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इंडिया न्यूज़ को भी हमें यहाँ सबको यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम उसके लिए और आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टे सेफ प्ले सेफ एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू हैप्पी होली